एवरीवन, दिस इज दीपिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ये है हिमालय ब्रांड से बेबी लोशन। इस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने मेरे चैनल पे हिमालय के कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यू कर रखे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। बट आज मैं बात करने वाली हूँ, ये है आज मैं बात करने वाली हूँ बेबी लोशन की। हिमालय ब्रांड के प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा, तो लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये बॉडी लोशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही हिमालय के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं, तो ये एक हर्बल ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए सेफ है यूज करना। एंड ये जो मेरे पास है वो है 100 ml का, और इसके साथ साथ तीन और साइज आती है, मतलब 4 टोटल साइज है। ये 100 ml, 200 ml की आती है, 400 ml की आती है एंड 700 ml की आती है। तो इन चारों साइज में प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो 100 ml का है 95 rupees में एंड 700 ml का है 440 rupees में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो परचेस करना है और अगर आपको अच्छा लगता है ना तो बड़ी बॉटल लोगे तो आपको और अफोर्डेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ पैकेजिंग में भी डिफरेंस है। 100 ml एंड 200 ml में ऐसे पैकेजिंग आती है, ऐसे आपको ओपन करना रहेगा और क्लोज करना रहेगा। और जो बड़े हैं 400 ml एंड 700 ml में आपको पंप पैकेजिंग के साथ आता है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए काफी इजी रहता है 100 ml एंड 200 ml का। ये बॉडी लोशन की एक्सपायरी 2 साल की है, एंड अगर आपने ओपन कर दिया है तो आपको 6 मंथ के अंदर इसको फिनिश करना है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं और फिर ओपन करके चेक करते हैं कि कैसा है वगैरह वगैरह, और फिर उसको रख देते हैं। तो बट आपको इसको तभी ओपन करना है जब आपको एक्चुअल में इसको यूज करना स्टार्ट करना है। ये लोशन आप बच्चे पर फर्स्ट डे से ही अप्लाई कर सकते हो, एंड कैसे लगाना है जब आप बच्चे को बाथ दो उसके बाद आप इसको लगा सकते हो, और रात में भी एक बार सोने से पहले आप इसको लगा सकते हो, और विंटर में थोड़ी और जरूरत पड़ती है तो आप दोपहर में भी एक बार और अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको इस बॉडी लोशन का टेक्सचर कैसा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका कुछ टेक्सचर इस तरीके का है, स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड लगाने के बाद ग्रीजी भी नहीं लगता है। तो क्योंकि ये बॉडी लोशन है तो थोड़ा सा लाइट मॉइस्चराइज होगा, ये क्रीम जैसा नहीं रहेगा, लोशन है तो लोशन की तरह ही होगा ये। तो इसका टेक्सचर अच्छा है एंड स्मेल भी इसकी माइल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें। अभी इसके ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पर लिखा है फ्री फ्रॉम पैराबेंस, मिनरल ऑयल्स नहीं है, सिंथेटिक कलर नहीं है, क्लिनिकली टेस्टेड है, सेफ है एंड रिसर्च प्रोडक्ट है। वैसे हिमालय के प्रोडक्ट्स में रहता ही है कि ये रिसर्च प्रोडक्ट्स रहते हैं और सेफ होते हैं बच्चे पर यूज करना। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स है वो, उसमें है फर्स्ट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के अंदर विटामिन ई बहुत रहता है, तो ऐसा मानते हैं कि विटामिन ई अगर जो प्रोडक्ट्स में यूज होता है ना तो उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, तो स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर अनइवन स्किन टोन हो, ब्लेमिशेस हो बच्चे की स्किन में ना, तो स्किन पे, तो उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑलिव ऑयल, तो ये अगेन इसके अंदर विटामिन ई है, तो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ ये ना बच्चे की स्किन में ग्लो भी लाएगा। हम मसाज करते हैं तो भी अगर आपने ऑलिव ऑयल से मसाज की है तो आपको आइडिया होगा, स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यष्टी मधु, तो ये मुलेठी बोलते हैं इसे, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स में, जैसे कि ऑयल फॉर्म में यूज कर दिया, पेस्ट के फॉर्म में यूज कर दिया, या फिर ऑयल बना के कोई प्रोडक्ट में यूज कर लिया, तो उस तरीके से यूज होता है प्रोडक्ट्स में। एंड इसके फायदे बहुत है, ये स्वेलिंग रेडनेस है या बच्चे को स्किन में इरिटेशन होती है, इचीनेस है, तो वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड ये एक तरीके का हर्ब है जो काफी अच्छा है। नेक्स्ट है कॉन्ट्री मेलो, तो ये भी हिमालय के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर रहता है कॉन्ट्री मेलो। ये बच्चे की स्किन को ना जर्म से प्रोटेक्ट करता है एंड साथ ही साथ सूथ भी करता है स्किन में, तो ये भी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है एंड हिमालय के प्रोडक्ट्स में मैंने देखा है।
तो ये इसके चार मेन इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने आपको बताया। अभी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेदर में ट्राई किया है, लाइक समर में ट्राई किया है, विंटर में ट्राई किया है। विंटर में भी जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ पर कम ठंड पड़ती है, तो अलग अलग वेदर में मैंने ट्राई किया है। समर में तो ऑलमोस्ट सारे बॉडी लोशन वर्क कर जाते हैं। जो एक्चुअल में बॉडी लोशन जो विंटर में वर्क करता है ना, वो बॉडी लोशन बेस्ट रहता है। तो विंटर में मुझे लगता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी ना, वहां पर मैं इसको ध्वेन पे हर 5 घंटे में अप्लाई करती थी, तो उतना ड्राई होता है और फिर भी ऐसा लगता था कि उसकी स्किन ड्राई हो रही है, मतलब इतना अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करता था। प्लस बार बार अप्लाई करना पड़ता था, तो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा यूज होता था। और अगर जहाँ पर कम ठंड पड़ रही है ना, जैसे मुंबई जैसे वेदर में विंटर में भी कम ठंड पड़ती है, तो आप वहाँ पर ये काम कर जाएगा। 3 बार लगा दिया तो ये अच्छे से काम करता है, पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो अगर आप ट्रायल के लिए लेना चाहते हो ना, तो ये साइज़ भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप 200 ml का लेना, क्योंकि क्या होता है 100 का अगर आप लोगे ना तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये आपके बच्चे पर काम किया या नहीं किया। तो 200 ml का जो है मुझे लगता है बेस्ट साइज़ है ट्रायल के लिए। ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट साइज़ है, बट ट्रायल के लिए आप 200 ml का लेना अगर फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो आप आपके बच्चे पर। और अगर वो वर्क करता है तो 700 ml का काम कर जाए। तो कैसा लगा मेरा रिव्यू वीडियो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। अगर ये वीडियो यूजफुल हुआ है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।